अभी हम जा रहे हैं प्राइवेट वाटरफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए। ये किसी का एक्चुअली एक एस्टेट है, वहाँ से चल के नीचे इधर तक तो आ गए। अभी बहुत ही सेफ जर्नी है, लेट अस एक्सप्लोर कोडाईकनाल। सो वी आर हेडिंग क्लोज टू द मुत्तु फॉल्स। यस, इस फॉल्स का नाम जो है वो है मुत्तु फॉल्स, क्योंकि हमारे सामने इनको जो देख रहे हो इनका नाम है मुत्तु भाई, तो इनके नाम पे ही, यही ओनर है, तो इनके नाम पे ही ये एकदम प्राइवेट खासकर शिकर और शिकरी के लिए। अभी हम जा रहे हैं प्राइवेट वाटरफॉल एक्सपीरियंस करने के लिए। ये किसी का एक्चुअली एक एस्टेट है, ये जो मेरे आगे जो चल रहे हैं उनका नाम गौतम है, ये तह क्या के मैनेजमेंट पूरा यही करते हैं, तो ये हमको लेके जा रहे हैं। एक्चुअली इनका फ्रेंड का ही है, तो लेट अस एक्सपीरियंस हाउ द वाटरफॉल विल बी। इट्स अ प्राइवेट वाटरफॉल, लेट अस गो। यहाँ का जो प्रॉपर्टी ओनर है वो यहाँ पे स्टे वगैरह तो कुछ करता है नहीं, बट एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्टेड है, तो इसके स्टेट में आपको एग्रीकल्चर का पूरा जो भी है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आप फ्रूट प्रिंट्स देख रहे हो वो पूरे बाइसन के हैं, यहाँ पे रात को बाइसन वगैरह आता रहता है। बहुत ही ट्रिकी ट्रैक है नीचे जाने का। वहाँ पे वाटरफॉल्स दिख रहा है आपको, तो वो है हमारा स्पॉट। सो लेट अस गो। वहाँ से चल के नीचे इधर तक तो आ गए। अभी बहुत ही सेफ जर्नी है, लेट अस एक्सप्लोर कोडाईकनाल। वहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट वाटरफॉल्स, जन्नत जन्नत। सो वी आर हेडिंग क्लोज टू द मुत्तु फॉल्स। यस, इस फॉल्स का नाम जो है वो है मुत्तु फॉल्स, क्योंकि हमारे सामने इनको जो देख रहे हो इनका नाम है मुत्तु भाई, तो इनके नाम पे ही, यही ओनर है, तो इनके नाम पे ही ये प्राइवेट फॉल्स नाम हो चुका है इनके नाम पे। या बहुत ही स्टीप है, यहाँ पे ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मज़ा आ रहा है। या जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में गौतम भाई हमारे को लेके जा रहे हैं। सोचा नहीं था सुबह उठ के ऐसा भी ट्रैक करेंगे करके। जिगजैग इसका जो वे है बहुत ही जिगजैग है, नीचे उतरने के लिए तो कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, बट चढ़ने के टाइम पटके हाथ में आएगा। विच वन? या कमी, और 2 मिनट का ही रास्ता है। जंगलों के बीच में यहाँ पे रास्ता ढूंढना भी, भटक गए तो पता नहीं कहाँ चले गए। इधर वापस एक अलग रूट है, गौतम भाई को सब पता है। गौतम भाई की जय। ये बहुत ही टफेस्ट लेवल लग रहा है, यहाँ पे लॉग भी लेना, नीचे भी उतरना, शिकरी का हाथ भी पकड़ना। या विल टेक इट। पानी का आवाज़ तो सुनाई दे रहा है, बहुत ही शानदार होने वाला है प्राइवेट वाटरफॉल्स। ये पूरे गूगल में आप छाप मार लो इसका, आपको मिलेगा नहीं। यस, दैट्स द फॉल, लेट अस गो देयर एंड एक्सपीरियंस। यहाँ का जो व्यू है यही है, पता नहीं वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। या हर 2-2 मिनट में स्लिप हो रहा हूँ मैं तो। यहाँ पे धूप भी है बट गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, क्लाइमेट एकदम शानदार। यहाँ पे जो उगरा है, गौतम भाई बोल रहे हैं पूरा स्पिनाच है। अभी प्राइवेट फॉल्स ऑलमोस्ट आ गया है, बस अपने राइट ले लिए तो प्राइवेट वाटरफॉल्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अंदर देखते हैं कैसा क्या रहेगा। ओहो हो अमेजिंग, ये एकदम प्राइवेट
खासकर शिकर और शिकरी के लिए। और ये पूरा पानी इस तरफ जाता है। शूज और सॉक्स दोनों उतार दिए, अभी आगे चलते हैं। बहुत स्लिप हो रहा है, अभी गिरते गिरते बच गया। पता होता तो यहाँ पे चड्डी और बनियान पहन के मस्त वाटरफॉल्स एंजॉय कर देता, बट डेफिनेटली इतना दूर आए हैं, वाटरफॉल्स तो मज़े लेने ही होंगे। इट इज़ लाइक लाइव नेचर वाट। तो चलते हैं फॉल्स के पास। इस तरफ से है रास्ता। बहुत ही यादगार होने वाला है ये ट्रिप। हाँ, बस लो। हाँ, पूरा नहीं था। गाइस जस्ट बीक के आया। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था। कम से कम इस वाटरफॉल पे एक घंटा हम बैठे थे वहाँ पे ऊपर। बहुत ही क्रेजी है। पूरे जितने भी थकान स्ट्रेस जो भी थी सब मिट गई है। इट इज़ अ मस्ट ट्राई एट मुतू लेक। ये जो आप फेंसिंग देख रहे हो, रात को 6 बजे के बाद ओनर इसको पूरा सोलर फेंसिंग चालू कर देता है, सो दैट बाइसन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इनका जो फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म है, वो स्पॉइल ना करे। सो गाइस बी केयरफुल, रात को यहाँ सब आना मत, झटका लगेगा।